बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इन दिनों शिव नवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। इस शिव नवरात्रि में बाबा हर रोज भक्तों को एक नए रूप में दर्शन दे रहे हैं। शिव नवरात्रि के दूसरे दिन बाबा महाकाल को शेषनाग रूप में दूल्हा बनाया गया। महाकाल का भांग, सूखा मेवा, फल और रजत के शेषनाग से श्रृंगार किया गया। साथ ही भगवान महाकाल को दूल्हा बनाने की परंपरा के तहत वो महाकाल श्रृंगारित दिखाई दिए। मंदिर के पंडित आशीष शर्मा ने बताया कि शेषनाग रूप में बाबा के दर्शन करने से शक्ति मिलती है, जो मोह का बंधन होता है उससे मुक्ति मिलती है। शिव नवरात्रि महोत्सव महापर्व फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष आतिथि सप्तमी है। सप्तमी के दिन भगवान शिव ने यहाँ पर वासुकी नाग धारण किया है। भगवान शिव की नवरात्रि के दिन नित्य नए श्रृंगार किए जाते हैं, भगवान से लाड़ लड़ाए जाते हैं। प्रातःकाल से लगाकर सायंकाल तक भगवान महाकाल के दरबार के अंदर मंगल ध्वनि होती है और इसी ध्वनि के अंदर आज बाबा महाकाल के सायंकाल आरती के समय भगवान जो नाग धारण किया गया उसकी विशेष पूजा अर्चन की गई है। जय महाकाल। भगवान भक्तों के लिए भगवान बाबा के दरबार में शिव नवरात्रि में राष्ट्र कल्याण का ही संकल्प लिया जाता है कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे राष्ट्र का कल्याण हो, भगवान के भक्तों का कल्याण हो, भगवान भारतवर्ष की उन्नति हो, इसके लिए यही संकल्प के साथ में शिव नवरात्रि महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। दरअसल महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इन 9 दिनों तक बाबा महाकाल का दूल्हा रूप श्रृंगार किया जाता है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु महाकाल के दर्शन करने आते हैं। मान्यता है कि 9 दिन तक बाबा महाकाल के दूल्हा स्वरूप में दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इन दिनों शिव विवाह की अलग अलग रस्में मंदिर में निभाई जा रही है। इस दौरान ढोल नगाड़े और झांझ मंजीरों से बाबा की आरती की जा रही है। वहीं चंद्रमौलेश्वर और कोटेश्वर महादेव की भी पूजा अर्चना विधि विधान से की जा रही है। इन दिनों में लोगों में भी अपार भक्ति देखने को मिल रही है। बाबा के अलग अलग स्वरूप में दर्शन और आरती में शामिल होने के लिए हजारों लाखों की संख्या में भक्त आ रहे हैं। शिव नवरात्रि के दौरान इन 9 दिनों में पंडित घनश्याम शर्मा के आचरित्व में बाबा महाकाल का सेहरा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। शिव नवरात्रि के पहले दिन भगवान महाकाल का चंदन से श्रृंगार किया गया और जलाधारी पर हल्दी अर्पित की गई। दूसरे दिन भगवान महाकाल का शेषनाग के रूप में श्रृंगार किया गया। शिव नवरात्रि के तीसरे दिन भगवान महाकाल का घटाटोप श्रृंगार किया गया तो वहीं चौथे दिन छबीना श्रृंगार होगा। शिव नवरात्रि के पांचवे दिन भगवान महाकाल होलकर रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। छठे दिन वो मन महेश के स्वरूप में दिखाई देंगे और सातवें दिन भगवान शिव के साथ देवी पार्वती भी दिखाई देंगी। इस श्रृंगार को उमा महेश श्रृंगार भी कहा जाता है। आठवें दिन महाकाल का श्रृंगार शिव तांडव स्वरूप में किया जाएगा और शिव नवरात्रि के अंतिम दिन यानी महाशिवरात्रि पर भगवान महाकाल दूल्हे के रूप में दर्शन देंगे, जिसे सेहरा दर्शन कहा जाता है।